बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में भागीरथी रिवर के पूर्व में वेस्ट बंगाल के प्लासी रीजन में लड़ा गया था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रुप्स ने बंगाल के लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रेंच एलाइज की सेना के खिलाफ धावा बोल दिया। बैकग्राउंड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने अपने दादा अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल की गद्दी संभाली। अलीवर्दी खान डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार था, जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के असक्षम पुत्र सरफराज खान की हत्या करने के बाद गद्दी संभाली थी। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई राइवल से घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद की। इवेंट्स प्रीसीडिंग द बैटल। कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराज को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारी अपने ट्रेड प्रिविलेजेस यानी दस्तक का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे नवाब के फाइनेंसेस एडवर्सली अफेक्ट हो रहे थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी करनी शुरू कर दी, जिसे नवाब ने अपनी सोवरेनिटी पे क्वेश्चन माना। गुस्से में नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ समय बाद 20 जून 1756 को सिराज ने 146 ब्रिटिश कैदियों को वहीं पे एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसे ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने ब्रिटिशर्स की शत्रुता को इस प्रकार सामने लाया कि भारतीय इतिहास की पूरी कहानी बदल गई। द बैटल। बंगाल के नवाब के हाथों ब्रिटिशर्स की हार और फोर्ट विलियम पे नवाब द्वारा कब्जा करने के बाद नवाब को उखाड़ फेंकने और बंगाल में ब्रिटिश स्थिति को मजबूत करने के लिए मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत सेना भेजी गई। मीर जफर और अन्य बंगाली जनरल्स जैसे नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों को ब्रिटिश के साथ गठबंधन करने के लिए रिश्वत भी दी गई। मीर जफर को ब्रिटिशर्स का समर्थन करने के बदले में सिंहासन का वादा किया गया। प्लासी में नवाब की सेना ने क्लाइव की सेना का सामना फ्रेंच सैनिकों के साथ किया। नवाब के 50,000 सैनिकों की सेना को क्लाइव के केवल 3,000 की सेना ने आसानी से पछाड़ दिया। दरअसल षड्यंत्रकारियों के साथ ब्रिटिशर्स के गुप्त गठबंधन ने लड़ाई में ब्रिटिशर्स की पकड़ मजबूत कर दी थी। मीर जफर लगभग एक तिहाई बंगाली सेना के साथ लड़ाई में शामिल ही नहीं हुआ था। स्थिति इतनी कंपेलिंग हो गई थी कि नवाब ने अपनी सेना के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन मीर जफर के बेटे मीरान ने नवाब को मार डाला। सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। ये लड़ाई भारतीय इतिहास में काफी सिग्निफिकेंट मानी जाती है। ये लड़ाई भारत में ब्रिटिशर्स के लिए एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था, जिसने बंगाल में ब्रिटिशर्स का राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व स्थापित किया। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बिठा दिया। मीर जफर ने समझौते के अनुसार ब्रिटिश को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगनास की जमींदारी दे दी, लेकिन ये ब्रिटिशर्स को संतुष्ट नहीं कर सका और फलस्वरूप उसे सिंहासन से हटा दिया गया, जिसके बाद उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल के नए नवाब के रूप में सिंहासन पर बिठाया गया। बंगाल के रिसोर्सेज को आगे चलकर अन्य भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ से बंगाल के लोगों के शोषण और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की कहानी शुरू। आशा करती हूँ आपको बैटल ऑफ प्लासी आसानी से समझ आया होगा। इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैटल्स को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड जी हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।